हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 261 लोगों की जान चली गई है, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस ट्रेन हादसे के बीच पीएम मोदी अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर घटना स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने हादसे के कारणों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। रेल मंत्री पीएम मोदी को बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर ताजा स्थिति की जानकारी दे रहे थे। पीएम मोदी ने भी घटना स्थल पर हादसे के कारणों पर चर्चा की, उन्हें समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। इससे पहले पीएम मोदी ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा था कि ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूँ, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। घटनास्थल पर जायजा लेने के बाद पीएम मोदी सीधा पहुंच गए बालासोर अस्पताल, जहां उन्होंने वहां भर्ती घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, एक एक घायल के पास पहुंचे और उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री भी मौजूद रहे। घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी जब बाहर आए तो उन्होंने बाहर आते ही बड़ा बयान दे दिया कि इस घटना के लिए जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ, असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूँ और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है, हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूँ कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में, आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए।
लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए।